आप सभी इस बात से परिचित हैं कि आने वाले समय में एयर और सी के साथ साथ साइबर और स्पेस भी दुनिया के स्ट्रेटजिक डायनेमिक्स को तय करने वाले हैं। इसके साथ साथ इंटेलिजेंट मशीन्स भविष्य की रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे में भारत किसी से भी पीछे नहीं रह सकता। अपने नागरिकों, अपनी सीमाओं, अपने हितों की रक्षा के लिए भविष्य की तकनीक पर इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है और इनोवेशन भी आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि न्यू इंडिया की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में आप कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे, और बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि आपका विस्तार सिर्फ भारत के भीतर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। डीआरडीओ जैसा संस्थान दुनिया को, मानवता को बहुत कुछ दे सकता है। विश्व सुरक्षा में आप बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आज दुनिया के बहुत से देश हैं जिन्हें सीमाओं पर हमले का खतरा नहीं है। अड़ोस पड़ोस में सारे मित्र देश हैं, लेकिन ये देश भी जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनको बंदूक उठानी पड़ेगी, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में कभी युद्ध का खतरा ही नहीं था। सीमाएं सुरक्षित थी, शांत थी, खुली थी, प्यार भरा माहौल था, लेकिन वे देश भी आतंकवाद की चपेट में आ गए, उनको भी बंदूक उठानी पड़ी। डीआरडीओ ऐसे दशकों की भी, ऐसे देशों की भी आंतरिक सुरक्षा बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है। इन छोटे छोटे देश के लोगों से मैं मिलता हूं, उनकी इतनी आवश्यकता बढ़ रही है। सीमित संसाधनों के बाद भी इन खतरों के लिए उनको कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ रहा है। हम ऐसे छोटे छोटे लोगों के हाथ पकड़ करके उनको सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। ये मानवता का काम होगा, और आपके द्वारा किया गया ऐसा हर कार्य मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगा और विश्व मंच पर भारत की भूमिका को भी और मजबूत करेगा। साथियों, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डीआरडीओ को नए इनोवेशन के साथ सामने आना होगा। देश में एक वाइब्रेंट डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा देने में, मेक इन इंडिया को मजबूत करने में डीआरडीओ के इनोवेशंस की बहुत बड़ी भूमिका है, और इसलिए हमारा ये निरंतर प्रयास होना चाहिए कि डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट तक हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने। हम ऐसा इकोसिस्टम विकसित करना चाहूंगा जहां इंटीग्रेशन हो और इनोवेशन पर संपूर्ण ध्यान हो।